हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक पार्ट 4 ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल बताया जाएगा। लास्ट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो न समझ में आएगा और कमेंट करिए, आप लोग अच्छे से बताया जाएगा। और चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए, आज की टॉपिक जो है ऑक्टल टू हेक्सा। ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, जो नहीं समझ में आया कमेंट करिए। तो चलिए अब लोग बताते हैं ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल दिख रहा है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आज की टॉपिक है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसके लिए आप टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। 01 यूज डिजिट होता है, यूज डिजिट जो होता है ये, इस तरह करके हम बना लेते हैं, इस तरह करके हम बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके हम कॉलम बना लेंगे। इस तरह करके पहले हम कॉलम बना लेंगे, ठीक, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह करके कॉलम बना लेंगे। तो 8 का ऑक्टल जो होता है, जानते ही ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है, तो 8 हम लिख लिए हैं यहाँ पे, इसका आधा 4 होगा, तो यानी 40 लिखेंगे और जो है कि 11 4 लिखेंगे। बाइनरी में सिर्फ दो ही अंक होता है, 0 और 1, बताया ना, 0 और 1 जो होता है उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब 4 का आधा 2 होगा, तो 2021 यानी इसके बराबर में 7 तक हम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 2 का आधा 1 होगा, यानी 0101 0101। इस तरह का टेबल हम बना लेंगे, ठीक। एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, एक टेबल हम यहाँ बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। देख लिए, इस तरह करके हम बना लेंगे जो है टेबल। इस तरह करके टेबल थोड़ा सीधा सीधा आप खींच लेंगे, इस तरह करके हम टेबल बना लेंगे। इसका यूज डिजिट है, ठीक, यूज डिजिट, यूज डिजिट जो होता है 16 होता है, ठीक, 0 से लेके F तक, A B C D E F, ठीक, यहाँ तक होता है। कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ से ऐसे, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 4 कॉलम हो गया, ध्यान से देख लीजिए, 4 ठो हम बना लिए कॉलम। चार कॉलम बना लिए, इसको हम भर लेंगे, 16 का आधा 8 होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक, इस तरह करके आप भर लेंगे।
और 8 का आधा 4 होगा, 4 जीरो, 4 वन, 4 जीरो, 4 वन, 2 होगा इसका 4 का आधा, फिर 2 जीरो, 2 एक, इस तरह करके हम भर लेंगे। फिर एक होगा, 2 का आधा 1 होगा, ठीक। तो 0101 इस तरह भर लेंगे हम, 0101 करके इस तरह टेबल बन गया, ठीक। अब सवाल पे ध्यान देना है, सवाल एकदम इजी तरीके से देखना है, टेबल ही है, टेबल टेबल हो गया और ये भी टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दोनों दोनों टेबल, हम भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए वीडियो में, एकदम बन के तैयार है, ध्यान से देख लीजिए। नीचे भी है, यफ तक है, ध्यान से देख लीजिए, जो एफ तक है, हाँ ये आपको ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी कोशिश करेंगे कि दिख जाए कैमरा में। तो आप लोग देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक टेबल बना के अगर ऑक्टल यहाँ पे दे दिया, ऑक्टल अंक यहाँ पे दे दिया, जैसे 7 5 6, और हमको हेक्सा निकालना है, ठीक। ऑक्टल दे दिया, हमें हेक्सा निकालना है, हमको हेक्सा निकालना है। तो ध्यान से दीजिए, 7 5 6 है, 7 5 6 है, तो इसका हमें निकालना है। तो इसका निकालना है तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी निकालेंगे, ऑक्टल निकालना है तो ऑक्टल का ये है टेबल, तो ऑक्टल का टेबल में हम बाइनरी निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, पहले बाइनरी हम हल करेंगे, तो 6 का क्या होगा, 110 110, 5 का क्या होगा, 101, और 7 का होगा 11। इस तरह करके निकल गया। अब ध्यान से देखिए अगला क्या, इसको अब हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में हमें बदलना है। तो हेक्सा में क्या है, हेक्सा का टेबल इधर दिख रहा है, तो हेक्सा का टेबल दिख रहा है, तो हेक्सा में क्या करेंगे बताएं, पिछले वीडियो में 4 4 का हम टेबल बनाएंगे, 4 4 का यानी 2 2 4, फिर यहाँ से 2 2 4, ठीक, 2 2 4 हो गया, बच रहा है 1 अंक, फिर इसमें 3 0 बढ़ा के हम इसको भी कवर कर लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा। तो इसका हम भरेंगे, इसमें से देख लेंगे, 0 0 1 एक है, 11 10 कहाँ है, 11 और 10, 11 10 ई क्या है, ई लास्ट में एकदम नीचे है, नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देंगे हम, ई ई का होगा 11 10, ठीक, और फिर 11 10 है, फिर ई का भी यही होगा, ठीक, 11 10 दोनों का हो गया, इसमें भर देंगे 1 ई ई, इस तरह करके लग जाएगा। एक एग्जांपल और बता देते हैं, एक एग्जांपल और बता देते हैं, 4 2 5, इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फिर ऑक्टल निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले बाइनरी निकालेंगे और इसके बाद हम हेक्सा निकालेंगे, ठीक। 16, ये 16 है, ये 8, ठीक, ये बाइनरी निकाला है, बाइनरी निकाल लेंगे, पहले इसका बाइनरी निकालेंगे, तो 5 का होगा 101, 2 का होगा 010, और 4 का हो जाएगा 100। अब 4 4 का हम कालम बना लेंगे, ठीक, देखिए 2 ही गो आ गया, 2 2 4 2 2 4, 4 4 का कालम बना लिए, 2 2 4 यहाँ तक आएगा, फिर 2 2 4, वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहीं तक आएगा, इसके बाद एक ठो बच रहा है 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक। इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, और इसका 0 0 101 0 101 कहाँ पे है, 0 101 0 101 यानी 5 क्या है, 0 101 5 क्या है, ठीक, और 0 0 1 0 0 1 कहाँ पे है, 1 क्या है, यहाँ पे सर्च करके लिख लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह करके हम लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 1 5 2, इस तरह आंसर आ जाएगा। 2 एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगला वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों को बताया जाएगा।
लाइक करिए, शेयर करिए। उसके बाद जो है कि अगला जो है इसका जस्ट उल्टा, हेक्सा टू ऑक्टल, मैंने पहले बताया था, कन्वर्सेशन किए हैं उसी के विषय में। उसके बाद इसका क्या है, हम ऑक्टल और हेक्सा टू ऑक्टल, यानी यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का क्या, ऑक्टल, ठीक, यहाँ ऑक्टल हो गया। अब हम हेक्सा में मान लेते हैं 7ED का निकालना है और 9 5 FC इसका निकालना है और हमें ऑक्टल इसका निकालना है, ठीक। ये हेक्सा है, ठीक, 16 लगाए और इन दोनों का निकालना है, क्या ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका, लास्ट अब बाइनरी सिस्टम चल रहा है लास्ट, यहाँ पे हम निकालेंगे 7 का, ठीक। इसमें से अब देखना है, पहले हम इसमें से देख रहे थे क्योंकि ऑक्टल था पहले, अब हेक्सा इधर आ गया, यहाँ ऑक्टल था तो मैंने उसमें से निकाले सर्च करके, अब हेक्सा इधर आ गया तो हेक्सा इधर है, ठीक। हेक्सा के टेबल में देखेंगे 7 का क्या हो गया, 0 11 0 111, तो 0 111 इसका निकालेंगे, 0 111, ठीक, आगे से लिखेंगे 0 111। उसके बाद क्या है, ई का हो गया 1110 1110, ठीक। डी का क्या हो गया 1101 1101, इस तरह करके बना लिए। उसके बाद तीन का इसमें टेबल बनाएंगे, तीन का देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, हम 101 इसमें से देखेंगे 101 कहाँ है, 5 क्या है, फिर 101 5 क्या है, 111 7 क्या है, फिर 011 क्या है, 3 क्या है, इस तरफ निकाल के और यहाँ पे हम भर देंगे 3 7 5 5, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीके से टेबल आपको बनाना आ गया तो सवाल आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। देख लीजिए, ये लग गया आपका। अगला जो है, अगला ए है 9 5 FC, तो 9 का आप देख लीजिए यहाँ पे 9 1001, ठीक, 9 1001। उसके बाद जो है 5 5 का होगा 0 101 0 101, यफ का हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा 1111, ठीक। उसके बाद जो है ई का, अरे सी का है, सी का 1100। अब इसमें तीन तीन का जोड़ा बनाना है, ठीक, यहाँ से यहाँ 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 तक और यहाँ तक, इसमें बच रहा है 2 0 बढ़ाकर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 010, यहाँ 010 कहाँ पे है, 010 कहाँ है, 2 010 यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 100 4, इसमें बढ़ाएगा 1 1 2 7 7 4, आंसर हो जाएगा, ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह एकदम इजी तरीके से, जो नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज का टॉपिक यही था, दोनों सवाल हमने बता दिए हैं, जो नहीं समझ में आया आप एकदम बिंदास तरीके से पूछ सकें। काटो, ठीक। तो एक मिनट, एक हम सवाल दे रहे हैं आप लोग, जो है कि एक सवाल हम दे रहे हैं आप लोग, इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको हल करके हमें बताइएगा। एक हम सवाल दे रहे हैं दोनों पे, हम आप लोग कमेंट कर लगा कर दिखाइएगा, ठीक। हम एक सवाल दे रहे हैं आप लोग, चल रहा है रिकॉर्डिंग ना। तो देखिए ये जो है, एक दो सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग लगा कर हमें दिखाइएगा। एक ठो हम दे रहे हैं ऑक्टल जो है 5 0 6, इसका लगाइएगा, इसका ये वाला, इसका ये निकालना है, और इसका निकालिएगा 9 3 6 4, इसका निकाल लीजिएगा। और इसमें का जो है, इसमें जो है कि 3 ई बी,
और ये हो जाएगा हेक्सा और ये हो जाएगा ऑक्टल, ठीक। और उसके बाद इसका निकालिएगा टू टू सी एफ, इतना का निकाल के हमें कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।